हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आप एसपीएसएस और एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ से आप एसपीएसएस में और एक्सेल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए पहले हम अपने डेटा को देख लेते हैं एक बार। डेटा किस टाइप का है? हमारे पास एक स्पोर्ट्स, दो टाइप के स्पोर्ट्स हैं, एक इंडिविजुअल है और एक टीम स्पोर्ट्स है। और दोनों का हमारे पास 20 तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं और 20 टीम स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। उनकी हाइट मेजर की है हमने। तो चलिए इस हाइट का जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालना चाहते हैं वो भी हमारे स्पोर्ट्स वाइज, इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स वाइज। तो एसपीएसएस में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को रन करने के लिए एनालाइज टैब में जाना है और एनालाइज टैब में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप जो वेरिएबल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस भी वेरिएबल की आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए है उस वेरिएबल को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमें हाइट की निकालनी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, तो हम इसको हाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें तो ये बीच का एरो है, इससे आप वेरिएबल को इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो और इसे बाहर भी निकाल सकते हो। तो इंसर्ट करने के लिए जो बीच की एरो है इस पर क्लिक करना आपको, उसके बाद जाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन पर क्या है कि आपको जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए, आपको मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए या जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो एक बार हम सभी पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जब आप ओके पर क्लिक करोगे तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की विंडो ओपन होगी, क्योंकि तो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एसपीएसएस जो है वो टू विंडोज पर काम करता है। एक हमारी मेन विंडो है और एक आउटपुट विंडो है। मेन विंडो में हम डेटा एंट्री वगैरह करते हैं और आउटपुट विंडो में हमें जो भी हमारे रिजल्ट हैं वो प्रोवाइड होते हैं। तो एक बार हम इसको आउटपुट की जो विंडो है इसमें पहले से बहुत सारे रिजल्ट हैं, इसको डिलीट और दोबारा से ओपन करते हैं। तो ये देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं वो दिखाई देंगे। तो ये देखिए जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, ये टोटल एन मींस कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं 40, ये रेंज मिनिमम मैक्सिमम मींस क्यूनेस कर्टोसिस जो भी आपको चाहिए वो इसके अंदर दिखाई देगी। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, एक सेकंड मेथड के द्वारा भी आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है हमारा फ्रीक्वेंसीज का। अब फ्रीक्वेंसीज में आप वही जिस भी वेरिएबल की आप ये चाहते हो कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो उसको आपको वेरिएबल वाले कॉलम में एंटर करना है और स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पर देखिए ये उससे थोड़ा सा और बेहतर है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला ऑप्शन था। इसमें से भी टेस्ट को इसने कैटेगराइज किया है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के जो हमारे टेस्ट है वो एक साइड में है, मीन मीडियन है, मोड है, और डिस्पर्जन वाले जो स्टैटिस्टिक्स है जो हमारी वेरिएशन को शो करती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, रेंज मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड एरर मीन, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो अलग है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड तो नहीं है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ये देखिए जो पहली टेबल आई है हमारी वो स्टैटिस्टिक्स की, जो आपकी हाइट की स्टैटिस्टिक्स है 170, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपको चाहिए सारी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर है। उसके बाद आपकी ये फ्रीक्वेंसीज की वो है टेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके अंदर। अब इसके अंदर एक लिमिटेशन की बात करते हैं कि देखिए इसने जो टोटल रिस्पोंडेंट्स थे उनकी हाइट तो बता दी, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो हमारे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हो। हमें पहले चाहिए हमारी टीम गेम का मीन, फिर उसके बाद चाहिए हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए एक और ऑप्शन है एसपीएसएस के अंदर, आप कंपेयर मीन में जाओगे, एनालिसिस टैब पर क्लिक करो, कंपेयर मीन्स और मीन्स। मीन पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ऊपर है डिपेंडेंट लिस्ट, तो डिपेंडेंट लिस्ट में आप डाल सकते हो हाइट,
क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल, मोस्टली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे और ऑप्शन पर जो भी आपको, अब देखिए एक दो कॉलम्स हैं इसमें, एक कॉलम में स्टैटिस्टिक्स है और दूसरे में जो भी आप इस कॉलम से सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर शो होगी। जैसे अभी मैं मिनिमम पे सिलेक्ट किया, इसको सेल स्टैटिस्टिक्स में डालने के लिए अब बीच वाले एरो पर क्लिक करना आपको, उसके बाद मैक्सिमम, और इसके बाद जो भी आपको चाहिए कर्टोसिस या जो भी आप चाहते हो स्क्यूनेस, वो सारी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसका एक फायदा ये है कि जब भी आप इसको रन करोगे तो ये देखिए जो पहली टेबल आई है वो तो केस प्रोसेसिंग समरी है कि हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे, ये उसके रिगार्डिंग जानकारी दे रहा है। जो नेक्स्ट टेबल है रिपोर्ट वाली, अब इसमें देखिए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का स्टैटिस्टिक्स अलग से है और टीम स्पोर्ट्स की स्टैटिस्टिक्स अलग से है। तो इस प्रकार आप अपने जो आपके ग्रुप वाइज अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको देखनी है तो आप एनालिसिस टैब के अंदर कंपेयर मीन्स के अंदर मीन वाला जो ऑप्शन है उसका यूज करें। अब देखिए अगर सपोज करो आपके पास SPSS नहीं है और ये सारी स्टैटिस्टिक्स आपको उसके बाद भी चाहिए तो ये सारी चीजें आप एक्सेल के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन है हमारी एक्सेल की, ये देखिए ये हमारा एक्सेल है। तो एक बार जो हमारा डेटा है हम उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। हम सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का डेटा कॉपी कर रहे हैं सिर्फ शो करने के लिए कि कैसे इसके अंदर हम एक्सेल के अंदर कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की हाइट का डेटा है। तो अब देखिए एक्सेल में जब आप डेटा टैब पर जाओगे, ये देखिए डेटा में आपको मिलेगा डेटा एनालिसिस टैब। अगर ये आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि ये एक एक्सेल का एड इन फंक्शन है जो बाद में भी ऐड कर सकते हो आप, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसको आप यहाँ पर शो करने के लिए फाइल मेनू में जाइए, फाइल टैब से आप सेलेक्ट कीजिए ऑप्शंस और ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए एड इन्स, और एड इन में नीचे ये गो वाला ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करना आपको और यहाँ से एनालिसिस टूल पैक जो ये है इसको सेलेक्ट करना आपको। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये डेटा एनालिसिस की जो टैब है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अब आपको डेटा एनालिसिस की टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए ये पहले पूछेगा इनपुट रेंज कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा है जिसकी हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फाइंड आउट करनी है। तो आप ये जो रेड एरो है इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आउटपुट रेंज, आउटपुट रेंज मीन्स कि आपको न्यू वर्कशीट पर आउटपुट चाहिए या इसी पर चाहिए। अगर आपको न्यू वर्कशीट पर आउटपुट चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप इसी वर्कशीट पर देखना चाहते हो तो उसकी भी रेंज आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए आप कहीं भी ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद समरी स्टैटिस्टिक्स नीचे जो भी आपको चाहिए उस पर टिक कीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये हमारा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड्स, और देखिए ये सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, जितनी भी हमने SPSS में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाली थी वो सारी यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।